हे दोस्तों, इस नए और ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप 3 लंबी सांसें लीजिए। सांसें लेते लेते आप मेरी बातें सुनते रहिए और हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स और रिलैक्स करते जाओ, पॉजिटिव करते जाओ। अगर ये सुबह का टाइम है तो कहीं आराम से बैठ जाओ अकेले आंखें बंद करके, ये सबसे बेस्ट है। बट अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, शाम का वक्त है, ट्रैवल कर रहे हो, तो भी एटलीस्ट 3 लंबी सांसें ले लीजिए एक काम, सुकून और पॉजिटिव स्टेट में आने के लिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो स्क्रीन पे जो चीज़ें लिख के आ रही है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना बस लंबी सांसें लेने पर फोकस करते रहो। वीडियो के एंड में आपको एक बहुत पावरफुल गिफ्ट भी मिलने वाला है, सो एंड तक ज़रूर बने रहना। अभी स्टार्ट करते हैं हम वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स अफर्मेशंस लेवल 3 लेवल 4 के, जो आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कर देगा। मैं मेंटली और फिजिकली एक स्ट्रांग इंसान हूँ। मैं एक रिच इंसान हूँ, रिच मेंटालिटी वाला इंसान। मेरे विजन्स बहुत बड़े हैं। मैं एक स्ट्रांग विजन रखने वाला इंसान हूँ, बड़े विजन्स, दूर का सोचने वाला इंसान हूँ। बट इसके साथ साथ मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ। मैं विजन पूरा करने के लिए अपने गोल्स को थोड़ा बहुत बदल सकता हूँ। मुझे चेंज और चैलेंजेस से डर नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे वो बहुत पसंद है। मैं लोगों को हमेशा समझाने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिसमें दूसरे का, मेरा और सबका फायदा हो। मैं खुद को और दूसरों को अच्छी चीज़ें करने के लिए इंस्पायर करता हूँ, ना कि गलत काम। मुझे खुद पर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है। मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ। मैं एक हम्बल इंसान हूँ जो कभी भी घमंड, ईगो को अपने सर पे चढ़ने नहीं देता। चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आती रहे, मैं अपने विजन और गोल्स को नहीं भूलता और उन पे ही अपना मैक्सिमम फोकस रखता हूँ। मेरा विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं एक कंटिन्यूस लर्नर हूँ जो हर दिन अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखता रहता हूँ और अपने आप को थोड़ा ही सही, 1% ही सही, लेकिन डेली इम्प्रूव करता हूँ। मैं दूसरों को जज करना अवॉइड करता हूँ बिकॉज मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता। मैं जहाँ भी जाता हूँ लव और पीस फैलाता हूँ। हाँ, मैं शायद दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट, फनीएस्ट, बेस्ट लुकिंग इंसान नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर कुछ तो स्पेशल है, कुछ जिसके बारे में किसी को नहीं पता, शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कुछ तो है जो मुझे स्पेशल और पावरफुल बनाता है। मैं एक लक्की इंसान हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंशियल और पर्सुएसिव इंसान हूँ जो लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। मैं अपनी बातें मनवा सकता हूँ जिससे उनका भला हो सके। मैं अपना मैक्सिमम फोकस सॉल्यूशंस पे रखता हूँ, ना कि प्रॉब्लम्स पे। मैं मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। मैं अभी जहाँ हूँ, जैसा हूँ, अपने आप को वैसा ही दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपने आप को पसंद भी करता हूँ। अभी मुझे ज़िंदगी में जहाँ होना चाहिए था, यूनिवर्स और ऊपर वाले के प्लान के हिसाब से, मैं अभी वहीं हूँ, इसीलिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन हूँ, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड, बिकॉज मेरे प्रोसेस मेरे हाथ में है बट रिजल्ट्स नहीं। बिकॉज प्रोसेस और एक्शंस हमेशा मेरे कंट्रोल में रहते हैं, जिन पर मैं हमेशा काम कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ बिना ज़्यादा प्रेशर लिए। मेरे अंदर हमेशा बहुत एनर्जी होती है। मैं जल्दी थकता नहीं हूँ। जितनी चाहिए उतनी फुर्ती और एनर्जी मैं जब चाहिए टेबल पे ला सकता हूँ। मैं जब आराम करने जाता हूँ तब मैं अपनी सारी स्ट्रेस, फिकर, टेंशन को साइड रख देता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। मैं अपने इंपॉर्टेंट काम करते टाइम फ्लो स्टेट अचीव कर लेता हूँ, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर मैं डीप वर्क करता हूँ, घुस के काम करता हूँ और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं डीप वर्क करने पर बिलीव करता हूँ और डेप्थ वाला काम करना पसंद करता हूँ, बस ऊपर ऊपर वाले काम नहीं।
मुझे पूरे फोकस के साथ काम करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा फोकस के साथ काम करने की ही कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर अपने गोल्स को पूरा करने का बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है। मैं बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। मैं एक रिसोर्सफुल इंसान हूँ, मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे, लोग, रिसोर्सेज नहीं होंगे, फिर भी जो चीज़ें मेरे पास होगी उनका यूज़ करके ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ और बढ़ूँगा। मैं लोगों के साथ कम्पीट नहीं बल्कि कोलैबोरेशन करने पर विश्वास रखता हूँ, बिकॉज मिल के काम करने में बहुत ताकत होती है। मैं ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अकेले पैसे कमाना, अकेले खुश होना, इससे मच बेटर है मिल के चीज़ें करना, मिल के अचीव करना और आगे बढ़ना। मैं थोड़ा बहुत सेल्फिश तो हूँ, बट स्टिल मैं खुद से पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे मैं सामने वाले इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और जब मैं ये करता हूँ तब रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा इस चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचता। मैं एक मोटी चमड़ी का इंसान हूँ, मतलब छोटी मोटी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता, ना फ़र्क पड़ता है। मुझे रिजेक्शन फेस करने से डर नहीं लगता है। मैं उन चीज़ों को नहीं बोलने से नहीं घबराता हूँ जो मेरे वैल्यूज़, मेरे ड्रीम्स और मेरे गोल्स से नहीं मिलते। मैं अपने टाइम की वैल्यू करना जानता हूँ। मैं दूसरों की हेल्प तो करता हूँ, लेकिन गलत लोगों को अपना फ़ायदा उठाने भी नहीं देता। मुझे हेल्दी खाना बहुत पसंद है। मुझे जिम जाना या कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी वो करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपनी बॉडी और सोल दोनों चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। मेरे विजन बहुत बड़े हैं। मैं बहुत बड़े बड़े विजन तो रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है उन बड़े बड़े विजन को पूरा करने के लिए मुझे छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे, जिन पर मुझे डेली थोड़ा बहुत एटलीस्ट काम करना ही पड़ेगा, और मैं वो करता भी हूँ। मैं जितना चाहिए उतना टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से भी निकाल सकता हूँ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और उनके लिए जिनकी मैं केयर करता हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है अगर सच में मैं दिल से उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ, तो टाइम देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे अंदर मेरे हर ड्रीम्स को रियलिटी बनाने की कैपेबिलिटीज़ है, और अगर नहीं भी है तो मैं वो सीख सकता हूँ और सीखूँगा। मैं दूसरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी ऑफेंड नहीं होता हूँ। मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरता हूँ। मैं जितना चाहिए उतना वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए भी। मेरे आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो लोग भी रिच बनेंगे मेरी तरह। मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, ना कि बस एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेरे कई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पैसिव है, मतलब जिनके लिए मुझे ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, बट स्टिल पैसे आते रहते हैं। मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उन्हें क्या चाहिए वो भी, जिसकी वजह से मेरी पीपल स्किल बहुत अच्छी है। मैं किसी भी इंसान के साथ आराम से जलप कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, रैपो क्रिएट कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। मैं अपने फेलियर्स के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, इवन खुद को भी नहीं। बट हाँ, मैं चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानता हूँ, अपने आप को बदल के आगे बढ़ने की भी ताकत को समझता हूँ। मैं कितनी भी टफ सिचुएशन हो, स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो, सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ एकदम कूल रहते हुए। आज के दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे अच्छी चीज़ें हो या बुरी, सबको मैं वेलकम करूंगा। मैं हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को समझता हूँ, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता हूँ और नेगेटिव से सीखता हूँ। मैं हर दिन जितना हो सके उतना खुशी से जीने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सारे इमोशंस को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ और उनसे लड़ता नहीं हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, बोरिंग चीज़ों को भी मैं फ़न बना के उसे इन्जॉय करता हूँ। मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने आप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सच बोलने से भी नहीं घबराता, अगर उस टाइम पे वो बोलना वाइज है तो। मैं दूसरों के प्रेशर में, फोमो के चक्कर में वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो मेरे ड्रीम्स और वैल्यूज़ से अलग हैं। मैं इंसानों की अच्छाइयों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि बुराइयों पे। मैं कोई भी नेगेटिव इमोशन अपने अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक दबा के नहीं रखता हूँ, उसे निकाल देता हूँ, चाहे बोल के, लिख के या किसी से बात करके। मैं एक फ्री इंसान हूँ। मैं लाइफ में फ्रीडम की तरफ जाता हूँ, चाहे वो फ्रीडम फाइनेंशियल हो, टाइम या लोकेशन फ्रीडम हो, ये सारी फ्रीडम्स मुझे बहुत पसंद है। मैं फेलियर्स को भी उतनी ही खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ जितना सक्सेस को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं हर दिन एटलीस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करने पर फोकस करता हूँ। मेरा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और पावरफुल है। मैं मैक्सिमम लोगों की तरह शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज़ करने के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनता हूँ।
मुझे दूसरों की हेल्प करना पसंद है, मुझे फीडबैक्स लेके अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद है। मैं नेगेटिव फीडबैक्स को भी दिल पे नहीं लेता हूँ, अगर वो जेन्युइन है तो उन पे एक्शंस भी लेता हूँ। मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक स्मार्ट वर्किंग इंसान भी हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पर अपना मूड ख़राब नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, भले से वो कितना भी टफ हो। मैं हर इंसान के रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर चाहे वो मुझसे कितने भी अलग क्यों ना हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ पॉजिटिव एनर्जी फैलाता हूँ, जिसकी वजह से सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं हर दिन एक नए जोश और मोटिवेशन के साथ उठता हूँ और एक्साइटेड होके काम करता हूँ। मैं हर दिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिससे मुझे राइट आंसर्स मिल सके ज़िंदगी के। मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस भरना मुझे हैप्पीनेस देता है। मुझे दूसरों को उनके गोल्स पूरा कराने में भी मज़ा आती है। मैं फालतू सोशल मीडिया या फालतू लोगों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, उन्हें अपना इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद करने नहीं देता हूँ। मैं हमेशा सोचते रहने से ज़्यादा एक्शंस लेने पे फोकस करता हूँ और अपना मैक्सिमम टाइम एक्शंस लेते ही ख़त्म करता हूँ। मैं आज एटलीस्ट एक इंसान को स्माइल के साथ देखूँगा। मैं आज बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ज़िंदा हूँ और सांसें ले रहा हूँ। मैं हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट देता हूँ हर चीज़ में। मैं अपने आप को हमेशा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर पुश करता रहता हूँ। मैं हर दिन एटलीस्ट एक बार पोमोडोरो करता हूँ, मतलब 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क सेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आज के दिन एटलीस्ट 5 मिनट मैं एक्सरसाइज, वॉक या कुछ तो करूँगा, जिससे मेरी हेल्थ इम्प्रूव होगी। मैं आज का अपना ये दिन अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे बनाने की कोशिश करूँगा। मैं डिसीजंस लेने से नहीं डरता हूँ, चाहे वो डिसीजंस कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है जितने मैं डिसीजंस लूँगा उतना ज़्यादा मैं पावरफुल और स्ट्रांग इंसान बन पाऊँगा। मैं जल्दी किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ। मैं बड़े बड़े डिसीजंस भी कामली ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा रियलिटी में जीने की कोशिश करता हूँ, ना कि ऑनलाइन। आज मेरे पास हर वो चीज़ है जिससे मैं काम और हैप्पी रह सकता हूँ आज के दिन। मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं एक कंसिस्टेंट इंसान हूँ। अब देखो, ये बहुत सारे पॉजिटिव सेल्फ टॉक थे, अफर्मेशंस थे, बट इनमें से अगर आप एक पे भी फोकस करते हो आज के दिन पे, तो मुझे लगता है वो बहुत होगा। और क्योंकि आप एंड तक रुके थे, इसलिए अभी आपके लिए गिफ्ट भी है। गिफ्ट और एक स्पेशल अनाउंसमेंट दोनों साथ में मिलके है। गिफ्ट ये है कि ये जितने भी अफर्मेशंस मैंने अभी बोले हैं, उसकी एक फ्री PDF मैंने बना के आपके लिए रेडी करी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन जाके ले सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई अफर्मेशंस चेंज करने हैं, एडिट करने हैं, तो वो आप करके खुद के लिए एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और एक अनाउंसमेंट भी यही है कि मैंने ना एक न्यू बुक क्लब स्टार्ट किया है, सीक एन बुक क्लब, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। यहाँ पे आपको ये मेरे YouTube बुक समरीज के फ्री PDF मिला करेंगे, एक शीट जिससे आप इजीली मेरे वीडियोस को रिवाइज कर पाओगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्शनेबल स्टेप्स ले पाओगे। आप लोगों को कुछ लाइव इवेंट्स के फ्री टिकट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको मेरे साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस बुक क्लब में मिलती रहेगी, जिससे आप बुक लवर अच्छे बन पाओगे, ज़्यादा बुक्स पढ़ पाओगे और बुक्स की बातों को एक्चुअल में रियल लाइफ में अपनी अप्लाई भी कर पाओगे। और आपको पता है इसके लिए मैं कितना चार्ज करने वाला हूँ आपको? पर मंथ 1000 रुपया? नहीं। 500? नहीं। 200? 100? नहीं। अभी के लिए आपके लिए ये बुक क्लब ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। एक और छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, आप वो बुक क्लब जाके ज़रूर ज्वाइन करना, मुझे सपोर्ट ज़रूर देना, बिकॉज मेरा एम है कि मैं इस बुक क्लब को दुनिया का सबसे बड़ा बुक क्लब बनाऊं। और ये ज्वाइन करने के लिए आपको वही सेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना फ्री PDF वाली, वहीं पे जाओ, वहां पे अपनी डिटेल डाल के वो बुक क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और अच्छी बात यह है कि आप बुक क्लब ज्वाइन करोगे तो आने वाले 21 दिन तक ये जो 21 दिन का चैलेंज है डेली अफर्मेशन सुनने का, वो भी पूरा करने के लिए आपको वहां पे हेल्प मिलेगी। हम लोग रेगुलरली पोस्ट डालते रहेंगे उससे रिलेटेड, आपसे फीडबैक पूछते रहेंगे, आपके ओपिनियंस लेते रहेंगे, जिससे आपको डेली मोटिवेशन मिलता रहेगा, अकाउंटेबिलिटी मिलती रहेगी, ताकि आप डेली इस चैलेंज को कर सको एटलीस्ट 21 दिन तक। और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? इसके बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि यार आप लोग है ना इस पावरफुल बातों को जितना हो सकता है उतना इस बातों को शेयर करो, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ कि हाँ आप फ्री की चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ उसके आपको वैल्यू है। एटलीस्ट 20,000 लाइक तो इस वीडियो को भी ज़रूर पहुँचा देना, ताकि आपको मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें फ्री में देता रहूँ। कमेंट करके बताना कि जितने भी अफर्मेशन मैंने आपको बताया उसमें से सबसे बेस्ट अफर्मेशन आपको कौन सा लगा है, और कौन से कुछ अफर्मेशन है जिनके ऊपर आज आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, ऐसी बुक्स की फ्री बातें सीखते रहनी है तो। और हाँ, ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया था, अगर आप कुछ रिटर्न में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करो, वो बुक क्लब ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। आपकी हेल्प से ही मैं इस बुक क्लब को दुनिया का सबसे बड़ा बुक क्लब बनाना चाहता हूँ। और वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहो,
मतलब बिकॉज देखो याद रखो, जितना आप सिर्फ सुनते रहोगे सीखते रहोगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आप एक्शंस लोगे उससे फर्क पड़ेगा। तो ये बुक क्लब आपको एक्शंस लेने में ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है? तो मिलते हैं बुक क्लब में, वहाँ पे मैं भी डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूँगा इस अफर्मेशन चैलेंज से रिलेटेड, ठीक है? अब आपको ये वीडियो को जो है ना डेली एटलीस्ट 21 दिन तक ये वीडियो को ज़रूर सुनना, मैं खुद भी सुनने वाला हूँ, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हाँ, कमेंट करके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता सकते हो कि आपका ये चैलेंज का भी कितना दिन चल रहा है। जैसे अगर आपका डे वन हो गया तो लिख दो डे वन, डे टू हो गया तो डे टू लिख दो। ऐसी जो लोग भी पूरा 21 डे पूरा कंप्लीट करेंगे उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करूंगा, ठीक है? तो वो 21 डे आप जरूर कंप्लीट करना, और चैट में आके हर दिन अटेंडेंस भी दे देना हो सके तो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस बुक क्लब में, बाय।